दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे तीन तरह के मर्दों के बारे में जो कितना भी कोशिश कर ले किसी भी औरत को कभी भी पटा नहीं सकते। और अगर उनसे किसी भी कारण लड़की या औरत पट भी जाए तो ज़्यादा दिनों तक उनके साथ लड़कियां नहीं रहती। और ऐसे पुरुषों या लड़के ज़्यादातर सिंगल ही रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कौन से है वो पुरुष जिनसे कभी लड़कियाँ या औरतें नहीं पटती, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रकार का जो मर्द है वो है डरपोक पुरुष। जी हाँ दोस्तों, डरपोक पुरुष कभी भी किसी भी लड़की को या औरत को पटा नहीं पाते। इसका कारण यह है कि डरपोक पुरुषों को सबसे पहले तो लड़की के सामने जाने से ही डर लगता है। कभी हिम्मत जुटाकर वो लड़की के सामने चले भी जाए तो वो लड़की को कुछ बोल नहीं पाते। लड़की के सामने उनकी कपकपी और पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों, जो डरपोक पुरुष होते हैं वो अपने ख्यालों में ही खोए रहते हैं। डरपोक पुरुष हमेशा यही सोचते हैं कि जिस लड़की या जिस औरत से वो प्यार करते हैं वो लड़की खुद उसके पास जाके प्रपोज करे, और लड़की सामने से बोले कि आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, क्या आप मेरे जीवन साथी बनोगे, क्या आप मुझसे शादी करोगे। दोस्तों, ऐसे पुरुषों को लड़कियाँ कभी पसंद नहीं करती, इनसे कभी लड़की नहीं पटती। दोस्तों, एक लड़की या औरत हमेशा यही सोचती है कि पुरुष आकर उन्हें प्रपोज करे, लेकिन जो पुरुष अंदर से डरपोक होते हैं वह पुरुष कभी भी किसी भी लड़की को औरत को सामने जाकर प्रपोज नहीं करते। इसलिए ऐसे डरपोक पुरुषों से ज़्यादातर लड़कियां नहीं पटती। जो दूसरे प्रकार का पुरुष है वह है प्यार की भीख मांगने वाला पुरुष। दोस्तों, आपने ऐसा भी पुरुष देखे होंगे जो कि किसी लड़की को या औरत को प्रपोज करते हैं पर लड़की या औरत सामने से ना कर देती है। तो ऐसे पुरुष उस लड़की के सामने जाकर प्यार की भीख मांगना चालू कर देते हैं कि प्लीज़ तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो, मुझसे प्यार कर लो, तुम अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं आई तो मैं मर जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊँगा, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, मैंने जो प्रपोजल भेजा है उसे एक्सेप्ट कर लो। तो दोस्तों, ऐसा जो पुरुष प्यार की भीख मांगता है उनसे कभी भी कोई लड़की या औरत नहीं पटती। और दोस्तों, क्या होता है, उस पुरुष का इज्जत, उसकी रेपुटेशन दूसरी लड़की के सामने या दूसरी औरत के सामने भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उनका इमेज ख़त्म हो जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे करोगे तो औरत तो आपसे इम्प्रेस नहीं होगी, उल्टा आस पड़ोस की औरत भी आपसे दूर भागेगी। जो तीसरे प्रकार का पुरुष है वह है दूसरों से काम करवाने वाला पुरुष। कहने का मतलब है दोस्तों, कभी आपने कभी ना कभी ऐसा भी देखा होगा, जो पुरुष लड़की को या औरत को पसंद करते हैं या प्यार करते हैं वो खुद जाकर प्रपोज नहीं करते। ऐसे पुरुष किसी दूसरे को भेजते हैं कि तू जाकर मेरी उस लड़की से बात कर ले या औरत से मेरी बात कर ले, उसे बोलना कि मैं उससे प्यार करता हूँ। दोस्तों, ऐसे पुरुषों से कभी भी लड़कियाँ या औरतें नहीं पटती, क्योंकि औरत हो या कोई भी लड़की, वो यही सोचती है कि प्यार करने वाला मर्द उन्हें आकर सामने से प्रपोज करे। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो दूसरा आदमी होता है जिससे हम काम करवाना चाहते हैं वही आदमी इस मौके का फ़ायदा उठा लेता है। इसीलिए दोस्तों, ऐसी गलती आप कभी भी ना करें।